अगर आप प्रेसी का मार्क्स वेटेज देखते हो, सारे जितने 6 सेक्शंस का कंपेयर करते हैं, तो प्रेसी का जो सेक्शन है ना, उसका सबसे कम मार्क्स वेटेज है। ग्रामर 25 मार्क्स का, रिपोर्ट 20 मार्क्स का, आर्गुमेंट 40, ऐसे 80, ग्रामर 25। तो सबसे कम जो मार्क्स वेटेज है वो प्रेसी को मिला है, वो है 15। तो सबसे सही स्ट्रैटेजी है कि उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप लोग जब भी प्रेसी अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, तो ये ना आप लोगों को, अभी आप लोग अटेम्प्ट करोगे और किया भी होगा पहले, आप लोगों को पता चलेगा ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप लोगों को 45 मिनट्स लग रहा है, तो प्रेसी में आप लोगों को 1.5 घंटा भी लग सकता है, ये स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, लीस्ट स्कोरिंग, कम मार्क्स वेटेज और लीस्ट स्कोरिंग। अच्छा प्रेसी लिख लोगे तो आपको 8, सोचिए। और ग्रामर में अगर उतनी मेहनत करोगे तो 20 भी आ जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेहनत करोगे 15, 16, 17। मैंने तो 3.5 हाईएस्ट दिया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, मगर आपको 4 भी मिल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो जो एकदम एक्यूरेट आंसर, वन लाइन आंसर होता है, उसमें एग्जामिनर 4 दे देता है, अगर है ना आप लोगों ने इधर उधर की बातें नहीं की। तो मैंने 3.5 दिया है। अच्छा, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेहनत करना, ग्रामर में मेहनत करना, ये अच्छा रहता है। मगर प्रेसी में अगर हम, ऐसा नहीं मेहनत करने के लिए मना कर रही हूँ, मगर ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सबसे पहले प्रेसी ही लिखो, ये काम मत करना। मेरा एक स्टूडेंट है निखिल, निखिल की प्रेसी बहुत अच्छी हुआ करती थी, मतलब आप समझ लो फर्स्ट जो प्रेसी अच्छी नहीं थी, उसके बाद तो उसने गजब की प्रेसी लिखी है, ठीक है। तो हमेशा उसको अच्छे अच्छे फीडबैक मिलते थे, मार्क्स भी फाइनली उसको अच्छे मिले, तो उसको ऐसा लगा कि प्रेसी उसकी स्ट्रेंथ है। और जो उसने 2021 का एग्जाम दिया था, उसमें उसने प्रेसी, जिसने भी म्यूट नहीं किया वो म्यूट करे, म्यूट करे स्टूडेंट्स, तो उसने प्रेसी सबसे पहले अटेम्प्ट किया, और पता है क्या हुआ, उसको पूरा 45 मिनट्स लग गया प्रेसी में ही, और उसके बाद वो घबरा गया, उसका पेपर ही खराब हो गया। इसीलिए चाहे आपकी, चाहे मैं अच्छी फीडबैक दूं, चाहे मैं खराब फीडबैक दूं, प्रेसी लास्ट में अटेम्प्ट करना। कभी भी इस भ्रम में नहीं रहना कि मैम अच्छा फीडबैक दे रही है, मेरी प्रेसी स्ट्रेंथ है, मैं इसको एग्जाम में पहले अटेम्प्ट करूंगा, कभी मत करना। सबसे पहले जिसने भी ग्रामर की क्लास बहुत अच्छे से अटेंड की है, कहीं पे भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से फॉर्मल कोचिंग ली है ग्रामर की, प्रैक्टिस किया है, तो सब, और आपको लगता है कि ग्रामर आपकी स्ट्रेंथ है, और नहीं भी लगता है तब भी ग्रामर पहले अटेम्प्ट करो। उसके बाद सेकेंड है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद जो रिपोर्ट आर्गुमेंट ऐसे में आपको कोई भी क्वेश्चन फेमिलियर लग रहा है, तो यू अटेम्प्ट दोस दैट क्वेश्चन। फिर जो एकदम कम फेमिलियर है, जिसके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करना। और उसके बाद आखिर में आता है प्रेसी, हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करोगे प्रेसी, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए प्रेसी का मतलब होता है समरी करना, ठीक है। तो आप लोगों को प्रेसी क्यों दी जाती है, इनफैक्ट हर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में आप लोगों को प्रेसी दी जाती है। रीजन क्या है प्रेसी देने का, देखिए होता क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम में आप लोगों को मोटी मोटी फाइल्स मिलती है, और ये मोटी फाइल्स को आपको पूरा का पूरा समराइज करके अपने सीनियर को देना होता है। ऑब्वियसली सीनियर से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि एकदम रॉ फाइल और इतनी मोटी फाइल को वो पढ़े, नहीं एक्सपेक्ट करते। तो सीनियर क्या करते हैं, अपने जूनियर को बोलते हैं ये जो रॉ फाइल है ना इतनी मोटी सी, इसको आप कंसाइज रूप में, प्रिसाइज रूप में और समराइज करके आप मुझे दो। अब आप ये सोचो, आपको ऐसी फाइल मिली है 100 पेजेस की, ठीक है। अब इस 100 पेजेस को आपको छोटा बना के अपने सीनियर को देना है, तो ऑब्वियसली आप उस 100 पेजेस में जितने भी कंटेंट है जो आपको लगता है कि इररिलेवेंट है, तो जब आप नई फाइल तैयार करोगे छोटी वाली, तो वो इररिलेवेंट चीज हटा दोगे, राइट। और आपको लगता है नहीं ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीजों को आप रखोगे। और कोई भी चीज अब जो फाइल में है उसी को आपको समराइज करना है। आपके दिमाग में क्या है, या आप उस पर्टिकुलर इश्यू के बारे में, जो उस फाइल में जिस इश्यू को डिस्कस किया है उस पर्टिकुलर इश्यू के बारे में आपको कुछ नॉलेज है, तो अगर आप ये सोचो अच्छा मुझे ये नॉलेज है, तो आप उसको अगर फाइल में ऐड कर दोगे ना, तो ये एक तरीके से मैल प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आपको अथॉरिटी नहीं है आप अपने से कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड करो, ठीक है। आपको आपके सीनियर ने बोला इस फाइल को समराइज करके आपको उनको देने के लिए, तो ऑब्वियसली आप अपना ज्ञान तो उसमें लगाओगे नहीं,
जो लिखा है उसी को उठाना है आपको और समराइज करना है. ऑल द इररेलेवेंट डिटेल्स हैव टू बी एक्सक्लूडेड एंड ऑल द रेलेवेंट डिटेल्स हैव टू बी इंक्लूडेड. इस तरह से समराइज करना है, राइट. तो अपना आपका खुद का जो नॉलेज है ना वो आप नहीं लगाओगे. अब आपको समझ में आ रहा है आपको प्रेसी क्यों दी जाती है? क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम में ये बहुत काम आता है. तो ये स्किल होनी चाहिए समराइज करने की, छोटा करने की, फाइन. तो प्रेसी का इसमें मतलब बताया गया है कि अब अच्छा हम बोलते हैं हमें समराइज करना है, तो क्या समराइज करना है? जो पूरा इशू है ना उसका जो एसेंस है, एसेंस का मतलब जस्ट निचोड़, ठीक है, उसको आपको रखना है, ठीक है. और जो ऑथर का टोन है, मतलब ऑथर कभी कभी सरकास्टिक होता है, तो वो सरकास्टिक भी, सरकाज़म भी आपको समझना होगा. जो व्यंग ऑथर कर रहा है उस व्यंग को भी समझ के आपको सिंप्लीफाई करके लिखना होगा. तो वो सब हम बात करेंगे. हम प्रीवियस ईयर की प्रेसी ले सकते हैं, ठीक है. प्रीवियस ईयर की प्रेसी मैं आपको दिखा दूंगी, उससे हम बात करेंगे, ठीक है. चलिए अब एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रेसी वो हम बात करते हैं. तो बेसिकली प्रेसी का मतलब होता है समराइज करना, छोटा करना, कंसाइज करना. तो पहला जो एसेंशियल फीचर है वो है कोर एसेंस. तो द मोटिव ऑफ राइटिंग अ प्रेसी इज टू मेक द रीडर अंडरस्टैंड द मेन एसेंस ऑफ द पैसेज इन अ शॉर्टर फॉर्मेट, ठीक है. इवन इफ द रीडर्स हैडंट रेड द ओरिजिनल पैसेज दे शुड हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट इट्स कंटेंट एंड मीनिंग आफ्टर रीडिंग अ प्रेसी. सो द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट इज टू आइडेंटिफाई द कोर एसेंस ऑफ द पैसेज. तो ऑब्वियसली ओरिजिनल फाइल जो है आपके सीनियर ने नहीं पढ़ी है, मगर आपको अपने उस ओरिजिनल फाइल का समराइज इस तरह से करना है कि अगर ओरिजिनल नहीं भी पढ़ी है आपकी प्रेस, आपकी जो फाइल है ना छोटी फाइल, उसको पढ़ के उनको समझ में आ जाएगा कि उस मोटी फाइल में क्या होगा. इस तरह से यानी आपको कोर एसेंस को रिटेन करना. वो कोर एसेंस क्या होता है ना वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है. जब हम लिखना शुरू करेंगे ना तब हम बताएंगे. चलिए राइटर्स ओपिनियन. जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में राइटर का ओपिनियन बहुत मैटर करता है. अगर आपका क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि व्हाट इज योर ओपिनियन, गिव योर ओपिनियन, आर्ग्यू फॉर एंड अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट, ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू रेजोनेट योर ओपिनियन विद दैट ऑफ राइटर्स. आपका अपना खुद का कुछ भी हो मगर आप राइटर के अकॉर्डिंग ही लिखो, बेटर यही है. सेम इज द केस विद प्रेसी. प्रेसी में भी जब आप पैसेज पढ़ रहे हो ना, तो आपको राइटर का ओपिनियन, एक तो कोर एसेंस पता होना चाहिए निचोड़, राइटर का ओपिनियन भी पता होना चाहिए कि राइटर का ओपिनियन क्या है, यू नो, टुवर्ड्स दिस इश्यू, कुछ भी है ना अंडर डिस्कशन. तो अ प्रेसी एक्सप्लेन्स द मेन पॉइंट्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ओरिजिनल वर्क बट डजंट ऑफर योर ओन इंटरप्रिटेशन. आप कभी भी अपना इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी और प्रेसी में भी. अभी मेरी आज राहुल तिवारी से बात हुई, तो राहुल तिवारी ने कौन से क्वेश्चन के लिए कहा था, हाँ, प्लूटोक्रेट. तो राहुल तिवारी मुझे कहता है कि मैम मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा था, प्लूटोक्रेट जो है ना बैरिस्टर के अंडर काम करते हैं. तो मैंने कहा मैम ये नहीं, तो मतलब मैम आपने सुना ही नहीं था वो क्या कहा था. एनीवेज चलो, मैं अगर, मैं बोलने वाला था कि एनसीईआरटी में. अच्छा एनीवेज, तो हमें ना जो इश्यूज डिस्कस होते हैं पैसेज में, हो सकता है आपको उसके बारे में जानकारी होगी, कहीं आपने पढ़ा है, मगर उस जानकारी को एकदम साइड में रखोगे. आपको अपना पूरा का पूरा आंसर्स या आपका प्रेसी must be redirected towards the passage, ठीक है. जो extra लिखो, ये एकदम logic इसमें है ही नहीं. अगर ये logic सही होता ना extra लिखने का, तो फिर ये हर question के लिए logic सही होना चाहिए था, पूरा पांचों question के लिए. जो toppers कहते हैं ना extra लिखो, एक बार toppers से पूछो कि आपके पूरे पांचों question में हम extra लिखना चाहिए क्या, you know? फिर बोलेंगे नहीं आप दो तीन में एक्स्ट्रा लिखो. तो हम कैसे डिसाइड करेंगे सिर्फ दो तीन में, कौन से दो तीन में एक्स्ट्रा लिखना है, राइट. तो ये लॉजिक इज नॉट हाईली इलॉजिकल एक्चुअली, है ना. आई मीन देयर इजंट एनी रैशनैलिटी इन दिस. तो एक्स्ट्रा लिखने से बचो, एसे में भी एक्स्ट्रा लिखने से बचो, रिपोर्ट में भी, आर्ग्यूमेंट में. आपके पास एक्स्ट्रा लिखने का टाइम नहीं है, जो टाइम है वो आंसर्स लिखने का है, नथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है ना. एक्स्ट्रा लिखोगे तो फिर टाइम एक्स्ट्रा लगेगा जो कि आपको मिलेगा नहीं. एनीवेज, a pressy explains the main points in the structure of the original work but doesn't offer your own interpretation. You can't interpret the passage from your own point of view. Rather,
यू शुड एनालाइज अ राइटर्स स्टैंड ऑन एन इशू. आप पैसेज पढ़ रहे हो तो आपका पर्सपेक्टिव मैटर नहीं करता है, राइटर का क्या पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स दैट इशू ये मैटर करता है. सो डोंट गिव योर पर्सनल ओपिनियन, विश, रिमार्क्स, क्रिटिसिज्म, सजेशन. एक्सप्रेस राइटर्स ओपिनियन, मूड एंड टोन इन योर प्रेसिंग. ओके, एक्यूरेट डिटेल्स. ऐसे ही मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बताती हूँ कि एक्यूरेट डिटेल्स होना चाहिए, वैसे ही इसमें भी है. डिटेल्स दैट आर फाउंड इन द ओरिजिनल पैसेज आर कंसिडर्ड टू बी करेक्ट एंड रिलायबल. सो इनकॉर्पोरेट ओनली दोज डिटेल्स इन द प्रेसी दैट आर प्रोवाइडेड इन द ओरिजिनल पैसेज. ठीक है, जो डिटेल्स प्रेसी में दिया है ना वो ही डालो. प्रेसी नेवर कंटेन्स एनी, प्रेसी शुड नेवर कंटेन एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन और डिटेल्स दैट आर नॉट मेंशन द ओरिजिनल टेक्स्ट. यानी ओरिजिनल टेक्स्ट में जो चीज डिटेल्स मेंशन नहीं है ना वो आप ऐड नहीं कर सकते हो. इवन इफ इट सपोर्ट्स द मेन आइडिया ऑफ ऑथर. आप ये मत सोचो ये वाला डिटेल डाल देते ये तो ऑथर के ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही है. कुछ नहीं डाल सकते आप एक्स्ट्रा, मैंने बियॉन्ड द पैसेज आप सोच ही नहीं सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी में. कंसाइजनेस, इट मीन्स दैट योर प्रेसी डजंट हैव रेपिटेटिव पॉइंट्स. स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं और ये जो रिपीट करने की टेंडेंसी है ये सिर्फ प्रेसी में नहीं है, ये एस्से में भी है, रिपोर्ट में भी होती है और आर्गुमेंट में भी होती है. रिपीट क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि उनके पास है नहीं, कंटेंट नहीं होता है और उनको लगता है कि नहीं बड़ा लिखो बड़ा लिखो, मैक्सिमाइज करने का जो टेंडेंसी होता है वो होता है, तो रिपीट करते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है. मगर जब हम लोग जो मेंटोर होते हैं वो अवेयर करवाते, देखिए आप लोग पॉइंट्स रिपीट कर रहे हो, ये पॉइंट आपने सेकंड पैराग्राफ में लिखा और सेम पॉइंट आप इसको सिक्स्थ पैराग्राफ में रिपीट कर रहे हो, देन दे रियलाइज कि अरे हाँ यार मैं तो कंटेंट रिपीट कर रहा हूँ. तो अगर चाहे एस्से में, रिपोर्ट में, आर्ग्यूमेंट में अगर रेपिटेशन होता है ना, एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि यू डू नॉट हैव कंटेंट. इसीलिए एक ही कंटेंट को या तो ड्रैग कर रहे हो या यू नो रिफ्रेज करके रिपीट करते जा रहे हो. इट मीन्स दैट योर प्रेसी डजंट हैव रेपिटेटिव पॉइंट्स. द राइटर इन द ओरिजिनल पैसेज मे रिपीट द, हाँ और होता एक और रीजन है रिपीट. आप लोग रिपीट क्यों करते हो? आप लोग देखते हो यार पैसेज में तो कितना रिपीट किया गया है. मैं आपको एक पैसेज दिखा रही हूँ, इट्स इम्पोर्टेंट, आई विल शो यू हाउ द राइटर्स रिपीट द पॉइंट. इट इज ये है 2016 का पैसेज है. ठीक है, आई विल शो यू. तो मेरे पास स्टूडेंट्स के पैसेज नहीं है मगर मुझे पैसेजेस के बारे में बहुत अच्छे से याद है, तो आई कैन शो दैट. जस्ट वेट अ सेकंड. होता क्या है स्टूडेंट्स, राइटर बहुत रिपीट करते हैं और ठीक है, I'm sharing the screen. देखना इसी में ना 2016 जहां तक मुझे याद है 2016 का था. हाँ ठीक है, अब देखिए ये 2016 का प्रेसी है. अब इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ रिपीट कैसे होता है. सबको दिखाई दे रहा है ना ये वाला पैसेज? यस मैम. ठीक है, incorrigible fool, ठीक है, who chose to ignore the sane advice of passerby of not cutting the same branch on which he himself was sitting. Obviously, fools fail to learn from others' experiences and pay heavy price in the process. अब देखो यहाँ क्या लिखा है, they have used neither for their own intelligence nor for that of others. तो यानी यहाँ पे ये बता दिया वो लोग अपना खुद का भी इंटेलिजेंस यूज नहीं करते हैं, है ना, बता दिया. अब ये जो इंटेलिजेंस वाला है ना, आप देखना कहाँ रिपीट हो रहा है. एनिमीज ऑफ थिंकिंग, बात एक है या नहीं है? दे डाउट देयर इंटेलिजेंस, दे नेवर डाउट देयर इंटेलिजेंस. यानी फूल्स के बारे में पहले बोला कि दे डू नॉट यूज देयर इंटेलिजेंस. एनिमीज ऑफ थिंकिंग, दे नेवर डाउट देयर इंटेलिजेंस, दे आर कॉक्श्योर अबाउट देयर सेंस ऑफ जजमेंट. अब आप देखिए तीन बार रिपीट हुआ, अभी देखिए और रिपीट होना चाहिए शायद.
और नहीं रिपीट हुआ, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ स्टूडेंट्स, ऑथर है ना लिख रहा है, वो अपने फ्लो में लिख रहा है, मगर आप लोगों को, और फ्लो में जब ऑथर लिखता है तो वो ना एक ही चीज को वो बार बार रिपीट करता है, पैराफ्रेजिंग करके रिपीट करता रहता है, तो करने दो। अगर प्रेसी में भी आप रिपीट करोगे तो फिर वो प्रेसी है ही नहीं, प्रेसी में तो हम रेलिवेंट पॉइंट्स को लेंगे ना, ठीक है। तो अब इसमें लिखा है, इट मीन दैट योर प्रेसी डजंट हैव रेपिटेटिव पॉइंट, द राइटर इन द ओरिजिनल पैसेज मे रिपीट द सेम फैक्ट्स और आइडियाज बाय पैराफ्रेजिंग देम, बट व्हाइल राइटिंग द प्रेसी मेक श्योर दैट यू आइडेंटिफाई द रेपिटेटिव आइडियाज एंड नॉट रिपीट देम इन द प्रेसी, जस्ट राइट इन वन लाइन व्हाट द राइटर वांट्स टू एम्फसाइज बाय रेपिटेशन। 3 बार उसने बोल दिया, एनिमीज ऑफ थिंकिंग दे नेवर यूज देयर इंटेलिजेंस, दे नेवर डाउट देयर इंटेलिजेंस, उससे क्या पता चल रहा है, दे आर नॉट इंटेलिजेंट, खत्म, ठीक है। कंसाइजनेस इज ऑल्सो एविडेंट इन योर प्रेसी इफ इट डज नॉट इंक्लूड अननेसेसरी डिटेल्स, देर इज नो नीड टू इनकॉर्पोरेट ऑल द डिस्कस्ड इश्यूज इन योर प्रेसी, यू नीड टू कन्वे ओनली द कोर एसेंस ऑफ द पैसेज विथ एब्सोल्यूट क्लैरिटी, सो लीव आउट ऑल द नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट कनेक्टेड और मार्जिनली कनेक्टेड टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, ठीक है। देखिए अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है अननेसेसरी डिटेल्स को इंक्लूड ना करें, ठीक है, सिर्फ कोर एसेंस को इंक्लूड करें। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं, भाई हमें कैसे पता चलेगा ये अननेसेसरी डिटेल है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोर एसेंस है ना। तो चलिए अब हम इसके ऊपर हम बात करते हैं, यही पैसेज में लिखती हूँ। सबसे पहली चीज है, हम देखते हैं कि हमें कोर एसेंस, ये वापस से आने वाली चीज है ना, अभी फिर से आएगी, जिससे बुक लिखा है मैं बुक के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ, ताकि मैं कुछ मिस ना करूं, स्किप ना करूं। अच्छा अब ये वाला पैसेज है 2016 का, आई यूज द पेन सही रहेगा। पहली चीज, इफेक्टिव प्रेसी का फीचर पहला है कि कोर एसेंस, ठीक है। तो कोर एसेंस कैसे पहचानेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम, हर बार नहीं मगर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसे पैसेज मिलेंगे जिसमें कुछ कीवर्ड्स हैं वो बहुत बार रिपीट होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या रिपीट हो रहा है, जब आप पूरा पैसेज पढ़ोगे, मैं पूरा पैसेज नहीं पढ़ूंगी इसमें। ओके दिस पेन इज नॉट वर्किंग, जस्ट वेट। क्लिक क्यों हो रहा है, जब आप लोग ये पैसेज पढ़ोगे स्टूडेंट्स, अरे क्लिक हो जा, हद है। हाँ ठीक है, आप लोग जब पैसेज पढ़ोगे आपको पता चलेगा ये जो फूल है ये रिपीट हुआ, रिपीट नहीं अभी शुरुआत है, ठीक है। हम लोग थर्ड लाइन में है, ये फूल यहाँ पर आया, ठीक है। आगे देखो ये फूल आया, मैम नहीं दिख रहा है। स्टॉप शेयर किया मैंने, वापस से मैंने ओपन किया, अब दिख रहा है, ठीक यस मैम, है। यस मैम। अगर आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिखाई देते हैं तुरंत मुझे बता देना, मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। अब देखो ये है फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, अब मैं थर्ड लाइन में हूँ, फूल, फिर फिफ्थ लाइन में देखो या सिक्स लाइन में, फूल्स, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, दे यूज दे, अब हम आगे देखते हैं, फिर से आया फूल्स, यहाँ पे आया फूल्स, और आगे देखो ये रहा फूल्स, और फिर आगे देखें ये रहा फूल्स, ये रहा फूल्स। तो ना जब आप लोग पैसेज पढ़ोगे स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को कोर एसेंस है ना कैसे दिखेगा, जब आप लोग देखोगे कि देर आर और या देर इज अ सर्टन वर्ड दैट इज बीइंग रिपीटेड मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर पैसेज है ये फूल्स के बारे में है,
ठीक है, आप लोग को तुरंत पता चल जाएगा। तो अभी भी कोर एसेंस पे नहीं आए हो, आप लोग को पता चल गया फूल्स के बारे में, ठीक है। राइटर फूल्स के बारे में बात कर रहा है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि क्वेश्चंस पढ़ के आप लोग यू कैन जस्ट मेक आउट वेदर दिस पैसेज, आई मीन व्हाट दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट, है ना। क्वेश्चंस पढ़ के ये आप लोग आराम से पता लगा सकते हो। वैसे ही जब आप लोग बहुत स्पीडली भी पैसेज पढ़ोगे, आप लोग देखा अरे यार ये तो वर्ड बड़ा रिपीट हो रहा है, अच्छा यानी राइटर इसी के बारे में बात कर रहा है। अब इसके बारे में क्या बात कर रहा है तो आप लोगों को पता चल गया। अब राइटर फूल बोल रहा है तो फिर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि राइटर फूल के बारे में बात कर रहा है, और राइटर को ना फूल्स पसंद भी नहीं है, ये उसका ओपिनियन। राइटर का ओपिनियन जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो राइटर को फूल्स पसंद नहीं है, और ये बहुत सारे फूल्स के बारे में जिक्र कर रहा है। एक शेख चिल्ली आया, फिर डॉन क्विक्सोट आया, और हिटलर को भी वो फूल बोल रहा है, और इनफैक्ट अगर आप आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा साइंटिस्ट को भी फूल बोल रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली राइटर्स को फूल्स पसंद नहीं है, और अगर हम पैसेज अच्छे से और पढ़ेंगे ना तो और भी काफी कुछ समझ में आएगा। तो इससे आपको ना कोर एसेंस पता चल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, मैं एक बार और शेयर करती हूँ बुक। तो इससे कोर एसेंस का एक वर्ड पता चलेगा किसके बारे में राइटर अपने पैसेज में बात कर रहा है, ठीक है, और आगे हम और पढ़ेंगे। फिर राइटर का ओपिनियन पता चल जाएगा कि यार हिटलर, साइंटिस्ट, इसको भी फूल बोला, चलो शेख चिल्ली तो चलो फूल है, मगर वो राइट साइंटिस्ट को भी फूल बोल रहा है, ठीक है। राइटर का ओपिनियन पता चल गया, एक्यूरेट डिटेल्स देना। अब कंसाइसनेस में एक चीज आ रही है, अननेसेसरी डिटेल्स। अब मैं इसके बारे में बात करती हूँ, मैं इसको स्टॉप शेयर करती हूँ। अब इसके बारे में बात करें, अननेसेसरी डिटेल्स क्या होता है। अब आपको समझ में आ गया है कि ये पूरा पैसेज फूल्स के बारे में है, और राइटर ने शेख चिली, डॉन क्विक्सोट, हिटलर, साइंटिस्ट, ये सबको फूल बोला है। अब अननेसेसरी डिटेल क्या है, देयर इज नो बेटर इलस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन फॉली देन द नैरेटिव ऑफ शेख चिली। कितना अननेसेसरी लाइन है, आपको पता चल रहा है, इररेलेवेंट है। Who in India is not aware of the story of this incorrigible fool who chose to ignore the sane advice of a passerby of not cutting the same branch on which he himself was sitting? Unnecessary details है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये fail to learn from others' experience, pay heavy price in the process, ये necessary है, मगर फिर आप इसको repeat मत करो कि they don't use their intelligence, ठीक है। अब देखो दे लिव इन देयर ओन वर्ल्ड, ये आया ना, अब कहीं पे ये इसका मतलब है, दे लिव इन देयर ओन वर्ल्ड, उनका अपनी दुनिया होती, यानी वो इमेजिनेटिव है। तो आप यही वाली चीज आपको आगे भी रिपीट दिखेगी, रिपीट होती हुई, कहीं पे इमेजिनेटिव है, और आपको पता चल जाएगा कि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो इनेट सेंस ऑफ डिस्क्रिशन है, दे लैक एन इनेट सेंस ऑफ डिस्क्रिशन, इसका भी साफ मतलब है कि वो लोग इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज रिपीट हो रही है, तो आप ये सब सारे अननेसेसरी डिटेल्स है, एक बार आप बोल दो दे लैक इंटेलिजेंस, बात खत्म। आप फिर इनेट सेंस ऑफ डिस्क्रिशन वो लैक करते हैं, दे नेवर डाउट द इंटेलिजेंस ये भी बोलोगे, तो एनिमीज ऑफ थिंकिंग बोलोगे, तो सब फिर ये अननेसेसरी डिटेल्स में आ जाएगा। ओके, तो वंस यू हैव रिटन दे लैक इंटेलिजेंस, इट मींस यही सारी चीजें, ठीक है। अब और अननेसेसरी डिटेल्स देखो, जो स्टूडेंट्स लिखते हैं, जब भी मैं पैसेज देती हूँ तो मुझे ये सब चीज देखने को मिलती है। फूल्स हैव बीन इमॉर्टलाइज्ड बाय लिटरेचर अक्रॉस द वर्ल्ड, ये तो ऑथर है ना व्यंग कस रहा है, ठीक है, यानी लिटरेचर है ना उसमें ना फूल्स को अमर बना दिया गया है। तो आपको क्या लगता है ये इम्पोर्टेंट है कि राइटर बोल रहा है फूल्स अमर हो गए हैं लिटरेचर में? ये बिल्कुल, अगर जब आप पैसेज पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा एकदम भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब शेख चिल्ली वापस से आया, पहले फर्स्ट पार्ट देखो, राइटर्स जब फ्लो में लिखते हैं ना तो एकदम स्कैटर्ड कंटेंट होता है, ऑर्गेनाइज तो रहता नहीं है। शेख चिल्ली पहले बताया, फिर से शेख चिल्ली का नाम इधर पे आ गया, उसके साथ उसने डॉन क्विक्सोट, अब ये लोग बोल रहे हैं डॉन क्विक्सोट स्पैनिश नाइट है। जरूरी है बोलना कि डॉन क्विक्सोट स्पैनिश नाइट है? एक बार बोल दे डॉन क्विक्सोट फूल है तो खत्म। अब वो स्पेन का फूल है, वो जर्मनी का फूल है, कोई मतलब नहीं है। शेख चिल्ली इंडिया का है, कितना इंपॉर्टेंट है ये फूल है, बस वही इंपॉर्टेंट है ना। अब शेख चिल्ली का ना स्टूडेंट्स लिखते हैं शेख चिल्ली फ्रॉम इंडिया, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ ये है मेक बिलीव वर्ल्ड,
मैंने आप लोगों को बताया था ना एक जगह कि दे हैव देयर ओन वर्ल्ड, कहीं पे मैंने बोला था दे लिव इन देयर ओन वर्ल्ड, ठीक है, उनकी अपनी दुनिया होती है. अब देखो मेक बिलीव वर्ल्ड, थ्राइव इन अ मेक, थ्राइव का मतलब रहना, मेक बिलीव वर्ल्ड, देखो कैसे रिपीट हो रहा है. अब देखिए पे लिखा है ही इज द लोन सर्वाइव सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत को सेव करने का काम अगर कोई करता है ना तो वो फूल्स ही करते हैं. यहाँ पर भी व्यंग कस रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर हाँ अगर आपको लगता है इसको लिखना चाहिए तो आप ऐसे लिखोगे कि फूल्स कंसिडर देमसेल्फ टू बी द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, लोन सेवियर ऑफ द वर्ल्ड ऐसे लिख सकते हो. अब देखो लोन सेवियर हुआ, अब देखो इसको कैसे रिपीट किया गया, सेल्फ प्रोक्लेम समारिटन, समारिटन्स कौन होते हैं, जो हेल्प करते हैं, है ना. अब सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, सेल्फ प्रोक्लेम समारिटन, ये बात एक ही है, ऑथर बार बार रिपीट कर रहा है. तो इस ये जितना रेपिटेशन हो रहा है ना उससे बचो. और एक और चीज बता रही हूँ, एक और, हाँ ये वाला लाइन देखो क्या लिखा है. वी ऑल नो हाउ पीपल लाइक हिटलर ब्रॉट द वर्ल्ड टू द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन थ्रू देयर डिजास्ट्रस लीडरशिप. अब स्टूडेंट्स लिखते हैं ब्रॉट द वर्ल्ड टू द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो क्यों ना लिख दे हिटलर वॉज अबाउट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, हिटलर वॉज कीन ऑन डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड, और सिंपल लिखो हिटलर वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, खत्म. टू द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन कोई मतलब नहीं है लिखने का. फिर अब ये वाला जो है द गोस देयर गोस अ सेइंग दैट इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क. स्टूडेंट्स ये भी लिखते हैं दूध उबल जाने के बाद रोने का क्या मतलब है, अपसाए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, ये भी लिखते हैं, ये सब मुहावरे भी प्रेसी में. अगर आप लोग इस तरह का करोगे तो आपका सीनियर तो माथा पकड़ लेगा, भाई ये क्या क्या अननेसेसरी डिटेल्स लिख रहे हैं, ठीक है फाइन. तो मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा जरूर हो गया होगा, मगर जब आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे ना आप लोगों को और अच्छे से पता चलेगा. तो कंसाइजनेस कैसी आती है, आप लोग बोलते हैं ना मैम मैक्सिमाइज आई मीन मिनिमाइज नहीं होता है, तो मिनिमाइज इसी तरीके से होगा, एक्सक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स, अननेसेसरी रेपिटेशंस एंड इंक्लूडिंग ऑल रेलिवेंट डिटेल्स. रेलिवेंट डिटेल्स आप लोग तभी कर पाओगे जब आप लोग यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द की वर्ड्स यू नो दैट आर बीइंग रिपीटेड थ्रू आउट द पैसेज. चलिए अब क्लैरिटी में आते हैं. क्लैरिटी मीन्स मेकिंग योर कंटेंट ईजी टू अंडरस्टैंड. दिस क्लैरिटी इज डिमांडेड विद रिगार्ड टू लैंग्वेज एंड कंटेंट. अगर क्लैरिटी तभी होगी, हम तभी कहेंगे कि आपका आपके आपके प्रेसी में क्लैरिटी है, जब हम जब पढ़ते हैं ना तो हमें सारी बातें समझ में आ जाती है, ठीक है. तो कैसे समझ में आएगी, जब लैंग्वेज आपका सही होगा, ठीक है. मैं कभी ऐसा मत सोचना हाई फाई इंग्लिश, नहीं, सिंपल टू द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये हाई फाई इंग्लिश है, इसको सिंपल कर दो ना, डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय, वही चीज मैं बोल रही हूँ. तो हाई फाई लिखने की जरूरत नहीं है, और इनफैक्ट मैं तो मना करती हूँ सिनोनिम भी मत लिखो, ठीक है, मगर ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन कोई मतलब नहीं है. फाइन. क्लैरिटी इन लैंग्वेज कैन बी अचीव बाई यूजिंग सिंपल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, जो अभी मैंने कहा. इन एडिशन अवॉइड यूजिंग अननेसेसरी लॉन्ग सेंटेंस दैट मेक देम मीनिंगलेस, ठीक है. अभी जैसे राहुल से मैंने बात की तो मैंने उसको बोला कि फुल स्टॉप पुट करना सीखो, लंबा लंबा सेंटेंस ट्रेन की तरह लंबे लंबे सेंटेंस बनाओगे ना तो उसमें क्लैरिटी नहीं आएगी. और सिर्फ राहुल नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फुल स्टॉप नहीं पुट करते हैं, कॉमा दे देते हैं और चलता रहता है उनका सेंटेंस. आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट ईयर जब मैंने टेस्टिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था मैंने ऐसे आंसर स्क्रिप्ट देखे थे जो पूरा का मतलब आधा पेज उसका वो पैराग्राफ था, ठीक है, आधा पेज जो आंसर स्क्रिप्ट का होता है वो पूरा पैराग्राफ था, और उस पैराग्राफ में सिर्फ एक ही सेंटेंस थे, कॉमा दे देकर कंजंक्शन यूज कर करके उसने पूरा करीब 14 लाइन्स का उसने एक सेंटेंस बनाया था. मैंने बोला मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है. स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हो आपने जो लिखा है वो समझ में आए,
तो सिंपल वर्ड्स एंड स्मॉल सेंटेंसेस फ्रेम करो. और मैंने सिर्फ राहुल को नहीं, मैंने और भी कमेंट किया हुआ है कि फ्रेम स्मॉल सेंटेंसेस. स्मॉल सेंटेंसेस फ्रेम करते हो तो ग्रामेटिकल मिस्टेक कम होती है और एम्बिग्विटी कम होती है, समझ में भी आता है, राइट. तो इन एडिशन अवॉइड यूजिंग अननेसेसरी लॉन्ग सेंटेंस दैट मेक देम मीनिंगलेस. डू नॉट मेक स्पेलिंग पंक्चुएशन ग्रामेटिकल मिस्टेक. अब देखिए ये चीज तो मैंने देखी हुई है, प्रेसी रीडिंग कॉम्प्रेंशन और कुछ हद तक ग्रामर पार्ट में जो चीज लिखी हुई होती है ना उसी को आप लोगों को थोड़ा सा मॉडिफाई एक्सट्रैक्ट करके वही चीज आपको लिखनी होती है. यानी यू हैव टू इन अ वे यू हैव टू कॉपी इट डाउन इन अ वे. कॉपी करने में भी आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं. मतलब सर्वेंट की एक जगह पैसेज था कोई रीडिंग कॉम्प्रेंशन में सर्वेंट लिखना था, है ना, सर्वेंट के स्पेलिंग गलत लिख रहे हो. ऐसा नहीं अपने मर्जी से लिख रहे हो भाई, पैसेज में लिखा हुआ है. इफ यू हैव गॉट एंड ऑलवेज डाउट योर इंटेलिजेंस, आई टेल यू, हमेशा अपने इंटेलिजेंस अपने कैपेबिलिटी को थोड़ा सा डाउट, हमेशा नहीं इससे अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, थोड़ा सा डाउट किया करो कि अच्छा ये वर्ड लिख रहा है इसकी स्पेलिंग सही है क्या, है ना. तो एक बार देख लो कम से कम, इसमें तो आप लोग है ना मिस्टेक नहीं करो, ये तो देख कर ही लिखना है ना. तो ना स्पेलिंग मिस्टेक, क्योंकि पैसे से उतारना ही है, तो स्पेलिंग मिस्टेक, पंक्चुएशन मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में देखिए मिस्टेक्स होती है ग्रामेटिकल मिस्टेक, मगर ऐसी मिस्टेक ना हो, म्यूट करिए, किसी का म्यूट नहीं है, ऐसी मिस्टेक ना हो जिससे मीनिंग क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है. एंड यस, डू नॉट यूज ऑर्नामेंटल और डेकोरेटिव वर्ड्स और सेंटेंसेस इन योर प्रेसी टू द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ना लिटरेचर हैज इमोर्टलाइज्ड द क्या था, इमोर्टलाइज्ड दिस दीज फूल्स. ये सब ऑर्नामेंटल वर्ड्स है, अमर कर दिया. देखो कितना पोएटिक वर्ड है ना, अमर कर दिया लिटरेचर ने, ये सब मत यूज किया करो. एज फार एज क्लैरिटी इन कंटेंट इज कंसर्न, पहले लैंग्वेज की क्लैरिटी मैंने बता दी, ठीक है. सिंपल वर्ड्स, स्मॉल सेंटेंसेस, नो स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामेटिकल मिस्टेक, ऑर्नामेंटल, डेकोरेटिव वर्ड्स यूज नहीं करना. कंटेंट में क्लैरिटी का मतलब क्या है, ईच पीस ऑफ कंटेंट इन द प्रेसी मस्ट कन्वे द एसेंस ऑफ द पैसेज. कहने का मतलब है कि आप जितना भी आप प्रेसी में एक एक वर्ड दे रहे हो, एक एक सेंटेंस लिख रहे हो, वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट करना चाहिए कोर एसेंस ऑफ, आई मीन नॉट रिफ्लेक्ट, इट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कोर एसेंस ऑफ द पैसेज, ठीक है. अब फूल्स के बारे में बात हो रही है, फूल्स शेक चिल्ली है, डॉन क्विक्सॉट है, हिटलर है, साइंटिस्ट है. अब इसमें फूल्स को अमर कर दिया गया, ये कितना कोर एसेंस से कनेक्ट कर पा रहे हो. सो यू नो बेसिकली क्या है, देखिए एक तो इसमें अवॉइड रेपिटेटिव एंड इररिलेवेंट आइडियाज. अब देखो बेसिकली क्या है, व्हेन यू गो थ्रू द पैसेज, ठीक है, फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द कोर एसेंस ऑफ द पैसेज. द कोर, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आइडेंटिफाइंग द कोर एसेंस ऑफ द पैसेज इज आइडेंटिफाइंग द कीवर्ड्स जो रिपीट हो रहा है, ठीक है. आपने फूल्स देख लिया, फाइन. अब जब आप लोग पूरा पैसेज पढ़ोगे इन ऑर्डर टू गेट टू नो व्हाट राइटर इज टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर इशू, यानी फूल्स एक इशू उसके बारे में क्या बात कर रहा है, वो एक लाइन में आप बता, मतलब अगर आप बोलते हैं यस आई हैव अंडरस्टूड द कोर एसेंस ऑफ द पैसेज, तो मुझे आपको एक लाइन में बताना पड़ेगा कि कोर एसेंस क्या है, एक लाइन में. अब सपोज फॉर इंस्टेंस आपने एक मूवी देखी, तो मैंने हॉस्टल में हम लोग रहते हैं ना, तो क्या होता है कि हम लोग मूवी देख के आते हैं, फिर हम लोग बताते हैं मूवी में क्या हुआ, ठीक है. तो कोई कोई की आदत होती है ना पूरा लंबा चौड़ा ना आधा घंटा बैठकर मूवी का स्टोरी सुनाते रहते हैं. अब कोई कोई होते हैं एक लाइन में मूवी की स्टोरी बता देते हैं, तो मैं वही चीज कह रही हूँ, अगर आप पूरा पैसेज पढ़ के एक लाइन में बता दोगे कि ये है, तो वो है कोर एसेंस, सिंपल, क्लियर. तो उस कोर एसेंस को पकड़ के यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द कंटेंट फ्रॉम द पैसेज, रेलिवेंट कंटेंट. तो कुछ पीस ऑफ कंटेंट यू विल फाइंड दैट इट इज यू नो नॉट एट ऑल कनेक्टेड टू द कोर एसेंस. जैसे लिटरेचर ने इमोर्टलाइज कर दिया फूल्स को, नॉट एट ऑल कनेक्टेड टू द पैसेज. कुछ पीस ऑफ कंटेंट यू विल फाइंड दैट इज मार्जिनली कनेक्टेड टू द मार्जिनली कनेक्टेड टू द कोर एसेंस. अब मार्जिनली कनेक्टेड को मुझे देखना पड़ेगा, थोड़ा एग्जाम्पल देकर बता देती हूँ.
देखिए, शेख चिल्ली के बारे में बताया कि वो जिस ब्रांच में खड़ा था उसी ब्रांच को काट रहा था. तो दिस इज कनेक्टेड टू द कोर एसेंस बट मार्जिनली कनेक्टेड इन द सेंस कि शेख चिल्ली कैसे फूल है, वो जिस ब्रांच में बैठ रहा था उसी ब्रांच को वो काट रहा था, इससे पता चलता है. मगर ये ना मार्जिनली कनेक्टेड है, इसको पूरा का पूरा आप नहीं बता सकते. जैसे मैं, जैसे हिटलर है, हिटलर फूल क्यों है, तो राइटर ने ना बड़ा अच्छा काम किया, एक लाइन में बता दिया कि ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन. साइंटिस्ट कैसे फूल है आप पढ़ोगे तो हैंडेड ओवर द डिस्ट्रक्टिव सीक्रेट्स ऑफ न्यूक्लियर वॉर, एक लाइन में बता दिया. अब ये जब ये शेख चिल्ली के बारे में बता रहा है तो इतना बड़ा बता रहा है, ठीक है, तो आप इसको एक लाइन में आप लिख सकते हो शेख चिल्ली इज अ फूल, ठीक है, मगर आप ये पूरा स्टोरी मत लिखना कटिंग द. और वैसे भी शेख चिल्ली के बारे में सब जानते हैं, आप इतना पूरा का बड़ा का मत लिखना. तो आप ऐसे लिख सकते हो कि शेख चिल्ली इज अ फूल हु फेल टू लर्न फ्रॉम अदर्स, ऐसे भी लिख सकते हो. मुझे अब ध्यान नहीं मैंने किस तरह से पैसे लिखी है, फाइन. तो इतना लंबा लंबा नहीं लिखना, ये मार्जिनली कनेक्टेड है तो आपको पता होना चाहिए कि दिस पर्टिकुलर लाइन इज मार्जिनली कनेक्टेड. सो इफ आई गेट सम वर्ड देन आई विल पुट इट, इफ आई डोंट गेट देन आई विल एक्सक्लूड इट, राइट. अब कोई कोई ना एकदम स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं, जैसे दे डू नॉट यूज देयर इंटेलिजेंस, दे लैक इंटेलिजेंस, दे लिव इन देयर ओन वर्ल्ड. ये एक फूल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. दे डू नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम अदर्स, है ना. तो ये सब पूरा स्ट्रांगली कनेक्टेड है. हिटलर है जो एक फूल, क्यों, क्योंकि उसने ना वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की. साइंटिस्ट फूल है क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रक्टिव वेपन्स का सीक्रेट्स बताया. तो ये सब स्ट्रांगली कनेक्टेड है, इसको डालो. और ये जो ना क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, डॉन क्विक्सोट वॉज इक्वली फेमस इन द वेस्ट, बच्चे ये भी लिखते हैं. अरे फूल है काफी है, कितना फेमस है, नहीं फेमस है, वेस्ट में फेमस, इंडिया में फेमस, करना क्या है, इससे उसका फुलिशनेस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, उससे भी मतलब नहीं है. बच्चे ये भी लिखते हैं. तो यू हैव नाउ सी, यू हैव टू यूज योर ओन डिस्क्रिप्शन, यू हैव टू यूज योर ओन सेंस कि इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी. आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है कि नाउ दिस इज द कोर एसेंस, मैंने इसको पकड़ लिया है. अब आपको देखना है कि नाउ दिस इज द सेंट्रल पॉइंट. अब इस सेंट्रल पॉइंट से कौन सा पीस ऑफ कंटेंट इज मार्जिनली कनेक्टेड, स्ट्रांगली कनेक्टेड, नॉट एट ऑल कनेक्टेड. जो नॉट एट ऑल कनेक्टेड है थ्रो इट इन द डस्टबिन. मार्जिनली कनेक्टेड है देन यू हैव टू सी वेदर टू इंक्लूड और नॉट, यू हैव गॉट इनफ वर्ड्स और यू आर एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट, यू नो, इस तरह से. एनीवेज, नेक्स्ट कोहरेंस. कोहरेंस का मतलब सिमेट्रिकल टाइप का, सिंक्रोनाइजेशन टाइप का होता है. इट मींस दैट द कंटेंट ऑफ द, सबको नजर आ रहा है ना स्क्रीन, हाँ. इट मींस दैट द कंटेंट ऑफ द प्रेसी मस्ट बी लॉजिकली ऑर्डर्ड. ओके, जैसे अभी आपने ये फूल्स वाला पैसेज देखा, ठीक है, पता है एकदम राइटर है ना, एकदम अपने ही धुन में लिख रहा है, अपने ही धुन में. आप अगर इसका देखोगे ना तो लॉजिकल ऑर्डर नहीं है. कैसे, मैं आपको बताती हूँ, खुद आपको पता चलेगा. शुरुआत इसने की शेख चिल्ली से, ठीक है, उसके बाद इसने शेख चिल्ली के बारे में बता दिया, फाइन. अब बताते बताते ये वापस से शेख चिल्ली के बारे में इधर बताने लग गया. स्टूडेंट्स ना ऐसे में भी ऐसे ही करते हैं, आपको पता है, कुछ कुछ बताए सेकंड पैराग्राफ में और उसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया, ठीक है, और फिर है ना उसके बाद है ना ये फिफ्थ पैराग्राफ में वापस से उस पॉइंट को लेकर आते हैं. शेख चिल्लीज अकाउंट इन इंडिया, ये पहले ही लिख देते हैं, राइट. तो ये अपने धुन में ये राइटर लिख रहा है. अब देखो दूसरी चीज, कैसे लॉजिकली ऑर्डर्ड नहीं है यहाँ पर. ये लिव इन देयर ओन वर्ल्ड, रेपिटेशन बहुत है जो मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगी यहाँ पर. लॉजिकली ऑर्डर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आप देखोगे इंटेलिजेंस या इमेजिनेटिव वर्ल्ड, ये रिपीट कर रहा है राइटर. फिर है ना आप देखोगे मेक सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, सेल्फ प्रोक्लेम समारिटन्स, ये भी रेपिटेशन हो रही है, ठीक है. तो जो रिपीट कर रहा है राइटर तो फिर तो लॉजिकली ऑर्डर्ड रहेगा ही नहीं ना, फाइन. अब एक और लॉजिकली ऑर्डर्ड एक और वजह से नहीं है, वो ये है कि
कि राइटर क्या कर रहा है, फूल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो बीच बीच में इंसर्ट कर रहा है. जैसे शेख चिल्ली के बारे में बताया, शुरुआत शेख चिल्ली से किया और उसका कुछ इन जनरल फूल्स के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया, ठीक है, और वो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को बार बार रिपीट किया जा रहा है, वो तो अलग चीज है, ठीक है. यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, देखो एनिमीज ऑफ थिंकिंग, सेंस ऑफ जजमेंट, बेनिफेक्टर सोसाइटी, डिग्री ऑफ इम्पेशियंस, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है. ये इम्पेशियंस को उसने रिपीट नहीं किया, एक ही बार बताया, ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे बताया गया, बताया फिर से वापस. अब देखो पहले शेख चिल्ली के बारे में बताया, फिर कैरेक्टर्स बताते बताते वापस से शेख चिल्ली में आ गया, डॉन पिक्सोट के बारे में आ गया, ठीक है, फिर से कैरेक्टर्स बताने लग गया, इमेजिन, और कैरेक्टर्स बताते बताते फिर से हिटलर के बारे में आ गया, कहाँ गया हिटलर, ठीक है, हिटलर के बारे में बताया, उसके बाद साइंटिस्ट के बारे में बताया, और फिर उसके बाद उसने यहाँ पर अपना कंक्लूड कर दिया. कंक्लूजन इसने अच्छे से किया, पता चल रहा है कि ये कंक्लूजन है. तो पैसेज स्टूडेंट्स आपको हमेशा, कभी भी आपको, मैं सच कहूँ तो कभी भी आपको ऐसे पैसेज नहीं मिलेंगे जो लॉजिकली ऑर्डर्ड पैसेज हो. आपको पैसेज हमेशा इसी तरीके से मिलेंगे, डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप के. ये बताते बताते जा रहे हैं, छोड़ दिया, फिर कुछ और बताने लग गए, उसको भी छोड़ दिया, फिर कुछ और बताने लगे, उसको भी छोड़ दिया, ऐसे करके होते हैं. मगर आप लोगों को क्या करना है, राइटर कैसे भी लिख रहा है. अब स्टूडेंट्स कहते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं जैसे पैसेज शुरू हुआ है ना हमें वैसे ही शुरू करना चाहिए. तो पैसेज अगर आप देखोगे कैसे शुरू हुआ है, पैसेज ऐसे शुरू हुआ, देयर इज नो बेटर इलस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन फॉली देन द नैरेटिव ऑफ शेक्सपियर. स्टूडेंट्स को लगता है ऐसे पैसेज शुरू हुआ है तो हमें भी वैसे ही शुरू करना चाहिए, मिसकंसेप्शन है, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है. पैसेज कैसे शुरू करना चाहिए वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, जब राइटिंग प्रेसी वाला कॉलम हेडिंग आएगी ना तब मैं बताऊंगी. मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका मेन एम होना चाहिए कि आपके पैसेज में ना पैसेज लॉजिकली ऑर्डर्ड हो. वो लॉजिकली ऑर्डर्ड कैसे होगा वो हम देखते हैं. It means that the content of the pressy must be logically ordered. For building the logical order, try to fragment the relevant content into various broad ideas and then arrange them in a pressy in a sequential manner. इसमें ये कह रहा है कि आपको पूरा पैसेज दिखा, आपने पैसेज पढ़ लिया, उसमें से आपने रेलिवेंट कंटेंट को एक्सट्रैक्ट किया. फर्स्ट यू विल फाइंड आउट द कोर एसेंस, देन यू विल फाइंड आउट द कंटेंट दैट इज स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड टू द कोर एसेंस. उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज दैट जितना भी रेलिवेंट कंटेंट है उसको डिस्टिंग्विश करो. जैसे एक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूल्स के बारे में बता रहा है, ओके दिस इज वन ब्रॉड आइडिया रिलेटेड कनेक्टेड स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड टू द कोर एसेंस. दूसरा examples of fools बता रहा है, किसका किसका, शेख चिल्ली, डॉन क्विक्सोट, हिटलर, साइंटिस्ट, खत्म. और characteristics, examples of fools, और तीसरा तीसरा अगर मैंने दिखाया नहीं है, अगर आप एंड देखोगे तो तीसरा है कि हाउ टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम, आई मीन द फूल इज अ प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड. तो इसको कैसे एलिमिनेट करे, क्या करे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए. तो आप लास्ट लाइन आप देखोगे तो ये चार तीन है शायद, हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स, इंस्टेंसेस, हाँ ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई. तो ठीक है, शुरुआत में कैरेक्टरिस्टिक लिख दो या शुरुआत में फूल्स के नाम लिख दो, फिर कैरेक्टरिस्टिक लिखो और फिर ये लिखो. इसको हम कहते हैं लॉजिकली ऑर्डर, ठीक है. कोहेरेंस आल्सो मींस लॉजिकली कनेक्टिंग द वेरियस आइडियाज ऑफ द कंटेंट विद वन अनदर. अब मैंने ये तीन चीज फाइंड आउट कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूल्स, टाइप्स ऑफ फूल्स, ठीक है, एग्जांपल्स ना, टाइप्स ऑफ फूल्स एंड सॉल्यूशन, ये तीन हो गया. अब मुझे तीनों को कनेक्ट करना है तो मैं कैसे करूंगी कि मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूल्स बता दी. Now these characteristics are possessed by some fools like, पहले characteristics बता दिया. Now I want types of fool to be connected to the characteristics of the fools. ठीक है? अरे एक सेकंड. ठीक है. देखिए, we have characteristics, we have types of fools, and we have solution. Now we need to अगर सपोज मैंने ये सीक्वेंस फॉलो किया प्रेसी में, तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के बाद आई विल कनेक्ट दिस टाइप्स ऑफ फूल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स, अदरवाइज ये अच्छा नहीं लगेगा, स्कैटर्ड लुक देगा. तो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर पोजेस्ड बाय सम ऑफ द फूल्स लाइक शेख चिल्ली, डॉन पिक्सोट, हिटलर,
साइंटिस्ट। अब मैं उसके बारे में, हिटलर, साइंटिस्ट, सबके बारे में बता दिया। उसके बाद इस फूल्स का सोल्यूशन क्या है वो लास्ट में दे दिया, खत्म। तो क्या कर रही हूँ, आई एम कनेक्टिंग। और जैसे स्टूडेंट्स आप लोग ऐसे भी लिखते हो, यू डिवाइड योर कंटेंट राइट इनटू पैरा वाइज, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर मस्ट बी सम कनेक्शन बिटवीन द यू नो सीक्वेंशियल पैराग्राफ, यानी एक पैराग्राफ के बाद जो दूसरा पैराग्राफ होता है ना उसमें भी कनेक्शन होना चाहिए, यू विल लर्न लेटर। मगर ये अगर कनेक्शन हम डाल देते हैं ना, एस्टैब्लिश कर देते हैं यू नो, तो ना फिर हमारा कंटेंट में ना स्कैटर्ड लुक नहीं होता है, मतलब बिखरा हुआ लुक नहीं होता है। ऐसा लगता है एक माला के समान है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मोती पिरोई हुई है ना, और हर मोती एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये पूरी माला दिख रही है हमें, वो वाली एक फीलिंग आती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। दीज लिंक कहाँ गया, फॉर कनेक्टिंग वन कैन यूज द लिंकिंग वर्ड सच एज एंड बिकॉज देयरफॉर इन एडिशन कॉन्सिक्वेंटली मोर ओवर दीज लिंकिंग वर्ड्स हेल्प इन स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट मेक्स द प्रेसी लुक्स कोहरेंट एंड वेल कनेक्टेड। ठीक है, अब नेक्स्ट एसेंशियल फीचर्स में हमारा नेक्स्ट आ रहा है ओन वर्ड्स। इन जनरल टॉपर्स क्या बोलते हैं, टॉपर्स बोलते हैं हमें अपने लैंग्वेज में लिखना चाहिए, एक तो बोलते हैं एक्स्ट्रा लिखना चाहिए और एक बोलते हैं अपने लैंग्वेज में लिखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने लिखा है इन जनरल वन शुड राइट प्रेसी इन वन्स ओन वर्ड्स। ठीक है, और इनफैक्ट अगर आप इंस्ट्रक्शन देखोगे ना, तो इंस्ट्रक्शन में पता है क्या दिया रहता है, चलो इंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या दिया है। देखो, अटेम्प्ट द प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज इन वन थर्ड ऑफ इट्स लेंथ, डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल। इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। राइट एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड्स। देखो क्या लिखा है, ओके आई एम सॉरी, हाँ हाँ जस्ट वेट अ सेकंड, आई फॉरगॉट कहाँ गया, अब दिख रहा होगा। अटेम्प्ट द प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज इन वन थर्ड ऑफ इट्स लेंथ, डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल। राइट एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, तो जो टॉपर्स कहते हैं ना अपने शब्दों में लिखना चाहिए, मगर यूपीएससी कहता है कोशिश करो कि अपने शब्दों में लिखो। ठीक है, यूपीएससी ये नहीं कह रहा है कि आपको अपने शब्दों में लिखना है, जहां तक हो सके अपने शब्दों में लिखो, यानी यूपीएससी आपको लिबर्टी दे रहा है कि यू कैन कॉपी, यू कैन लिफ्ट द लाइंस फ्रॉम द पैसेज। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो प्रेसी का इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, और आई विल कम टू दिस लेटर। और ना इंस्ट्रक्शन चेंज होते हैं प्रेसी के, बड़ा खतरनाक है यूपीएससी, बच्चों को ट्रिक करता है, पता है, ट्रैप करता है इंस्ट्रक्शन में। एनीवेज, इन जनरल वन शुड राइट प्रेसी इन वन्स ओन वर्ड्स, बट प्रैक्टिकली इट इज रिस्की बिकॉज व्हाइल डूइंग सो कैंडिडेट्स टेंड टू चेंज द ओपिनियन ऑफ राइटर एंड वर्स्ट ऑफ ऑल एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। ठीक है, इसीलिए मैं नहीं कहती हूँ अपने वर्ड्स में लिखो, मैं यही कहती हूँ लिफ्ट कर लो लाइंस, नो प्रॉब्लम, मगर थोड़ा फिल्टर कर लो। और जो मैं कहती हूँ ना वो मैं खुद भी करती हूँ। अगर आप मेरी प्रेसी का जिनके पास बुक है, अगर वो लोग भी देखेंगे तो आप लोग देखने कि मैंने सारे लाइंस लिफ्ट किए हुए हैं, मगर मैंने उसको मॉडिफाई भी किया है, फिल्टरिंग किया है, जो फालतू फालतू चीजें हैं उसको हटा दिया है ना, अननेसेसरी वर्ड्स। तो मैं यही, और ये चीज अगर सीख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो माय सजेशन इज टू लिफ्ट द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज एंड व्हाइल राइटिंग द प्रेसी बट सिंप्लीफाई द लिफ्टेड सेंटेंस बाय एक्सक्लूडिंग अननेसेसरी एंड ऑर्नमेंटल वर्ड्स। ओके, अब देखिए, बिफोर राइटिंग प्रेसी इन द प्रेसी शीट, मैं क्यों कहती हूँ कि प्रेसी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, रीडिंग कॉम्प्लेंट से ज्यादा टाइम आपको प्रेसी में लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रेसी लिखने के लिए आपको प्रेसी शीट मिलेगा। आपको अगर मैंने ना स्पेसिमेन कॉपी दी है, टास्क ग्रुप में आप जाना, आपको एक स्पेसिमेन कॉपी दी है, वो यूपीएससी की ही है, 2017 की है, जो मैंने डाउनलोड किया था यूपीएससी की वेबसाइट से। ठीक है, वो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट है। तो उसमें अगर आप 45 पेजेस की, उसमें अगर लास्ट फोर पेजेस में जाओगे ना, तो आपको रफ वर्क दिखेगा। ओके, तो वो रफ वर्क क्यों दिया हुआ है? एक तो आप लोगों को रफ वर्क की कहाँ जरूरत पड़ती है, एक आप लोगों को ऐसे लिखते हैं तो रोड मैप तैयार करते हो पहले, तो उसके लिए रफ वर्क, और प्रेसी के लिए रफ वर्क बहुत जरूरी है।
अगर देखिए प्रेसी शीट आपको मिलती है, उस प्रेसी शीट में वो बॉक्सेस मिलते हैं, उस बॉक्सेस में आपको लिखने होते हैं, ठीक है। तो उस बॉक्सेस में आप डायरेक्टली अगर लिखोगे ना, सिर्फ क्रिस क्रॉस करते रह जाओगे। मैं खुद भी, मैंने जितनी भी प्रीवियस ईयर की प्रेसी तैयार की है ना, मैंने कभी भी डायरेक्टली, अगर मैं सोचू मैं प्रेसी शीट में लिखूं या डायरेक्टली फाइनल करके इसको टाइप करना शुरू कर दूं, नहीं, मैं पहले टाइप नहीं करती थी। पहले विद अ पेन आई यूज टू राइट प्रेसी, ठीक है, ड्राफ्ट तैयार करती थी प्रेसी का। फिर उसके बाद मैं फिर उस ड्राफ्ट से फिर मैं प्रेसी फाइनल टाइप करती थी। फाइन। तो अगर आप लोग कोई भी ऐसा सोच रहा है कि मैं तो डायरेक्ट प्रेसी शीट में लिखूंगा, बहुत गलत है। दूसरी चीज, एग्जामिनर को भी पता होता है कि प्रेसी कांट बी रिटन डायरेक्टली इन द प्रेसी शीट। एकदम बहुत ही एक्सपीरियंस भी हो ना, वो भी डायरेक्टली प्रेसी शीट में नहीं लिख सकता है, क्योंकि बॉक्सेस, एक तो बॉक्सेस छोटे होते हैं, बाई चांस भी गलती हो जाती है तो फिर हम स्ट्राइक ऑफ करते हैं। यू विल सी लेटर, वी विल टॉक अबाउट इट, माइट बी इन द नेक्स्ट क्लास। देखो ऐसे बॉक्सेस छोटे छोटे होते हैं, एक भी गलती करोगे इसको स्ट्राइक ऑफ करोगे, फिर जगह नहीं बचेगी, बहुत गंदा शंदा सा लगेगा। क्या मतलब है, पहले रफ करना चाहिए। और इनफैक्ट एग्जामिनर देखता है कि उसने रफ किया है कि नहीं। अगर किसी ने रफ वर्क नहीं किया है ना प्रेसी का, तो एग्जामिनर को पता चल जाता है, अरे ये तो उठ के आया एग्जाम देने के लिए, ठीक है। एनीवेज, तो पढ़ लेती हूँ। बिफोर राइटिंग प्रेसिंग द प्रेसी शीट, द कैंडिडेट मस्ट प्रिपेयर रफ ड्राफ्ट। इट इज मैंडेटरी टू डू बिकॉज एग्जामिनर चेक्स द रफ ड्राफ्ट एज वेल, ठीक है। इफ यू डू नॉट डू सो, यू मे लूज मार्क्स। द प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स इन द फाइनल राइटिंग ऑफ द प्रेसिंग द प्रेसी शीट। काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स यूज इन द ड्राफ्ट। एक और चीज है, ड्राफ्ट तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक्सीड करोगे तो रिड्यूस करोगे, तो दोनों में आप लोग को प्रॉब्लम है ना, इसीलिए ड्राफ्ट तैयार करना है। और फिर अगर सपोज आपको लग रहा है अच्छा 100 वर्ड्स में लिखने हैं, ये 150 जा रहा है, तो फाइनल में लिखते लिखते आप उसको कम कर सकते हो, ठीक है। प्रेसी शीट में डायरेक्टली लिख दोगे तो वर्ड लिमिट एक्सीड हो गए, फिर क्या करोगे, दूसरी प्रेसी शीट तो मिलनी नहीं है। तो काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स यूज इन अ ड्राफ्ट एंड रिड्यूस और इंक्रीज द वर्ड्स अकॉर्डिंगली व्हाइल राइटिंग द प्रेसी शीट। स्ट्राइक आउट द ड्राफ्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्राइक आउट द ड्राफ्ट डायगनली। डायगनली का मतलब ऐसे, डायगनली आफ्टर आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रेसी, ठीक है। ये चीज आप लोग को याद रखना है, कोई भी रफ वर्क आप कर रहे हो उसको आपको डायगनली स्ट्राइक ऑफ करना है। कोई प्लेन पेज आप छोड़ दिए, उसमें कुछ नहीं लिखे हो, उसको भी स्ट्राइक ऑफ करना है। बीच में आपने कोई आंसर गलत लिख दिया, उसको भी स्ट्राइक ऑफ करना है, और हॉशपॉश नहीं करना है, समझ रहे हो, ठीक है। एनीवेज, तो आपको समझ में आ रहा है कितना टाइम कंज्यूमिंग है प्रेसी, है ना। पहले तो पैसेज पढ़ो, फिर उसके बाद ड्राफ्ट तैयार करो, फिर उसमें काउंट करो नंबर ऑफ वर्ड्स, फिर उसके बाद प्रेसी शीट में लिखो। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इट्स अ वाइज चॉइस टू अटेम्प्ट प्रेसी एट द एंड, कभी शुरुआत में नहीं करना चाहिए। वर्ड लिमिट, हाँ, वर्ड लिमिट प्रिस्क्राइब फ्रॉम द प्रेसी इज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यूज इन द पैसेज। अगर 300 वर्ड्स का प्रेसी पैसेज है तो आप उसको 1/3 करोगे तो 100 वर्ड्स, ठीक है। तो मगर हाँ, अब ये मत सोचा एग्जैक्टली 100, ऐसा नहीं है। 10 वर्ड्स ऊपर 10 वर्ड्स नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर इंस्टेंस, द पैसेज कंटेन्स 300 वर्ड्स और इट इज 1/3, एंड इट्स 1/3 इज 100 वर्ड्स, सो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द प्रेसी मस्ट रेंज बिटवीन 90 to 110, ओके। नेक्स्ट चीज, और देखो एक सेकंड, मुझे इंस्ट्रक्शन देखना है। देखिए ये प्रेसी का इंस्ट्रक्शन है। जो सिविल्स का इंग्लिश कंपलसरी वाला पेपर आता है ना, वो तो ये उस, हाँ, स्क्रीन नजर आ रही होगी ना, यस मैम। उसमें ना क्वेश्चन सेटर्स है ना, बड़ा ट्रिक्स प्ले करते हैं। अगर किसी ने भी इंग्लिश कंपलसरी का पेपर देखा है प्रेसी का, तो देखना इंस्ट्रक्शन कैसे चेंज करते हैं। पता है कभी कभी इंस्ट्रक्शन में देते हैं, डू नॉट राइट मोर देन, कीप योर वर्ड लिमिट विद इन द रेंज ऑफ इतना इतना। डू नॉट, कभी ये लिखेंगे, कभी लिखेंगे डू नॉट राइट मोर देन 110 वर्ड्स इन द प्रेसी, कभी लिखेंगे राइट टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स एट द एंड ऑफ द प्रेसी,
कभी लिखेंगे डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल और कभी लिखेंगे सजेस्ट अ टाइटल। पता है क्यों चेंज करते हैं? ये देखने के लिए कैंडिडेट कितना अलर्ट है, कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना केयरफुल है, कितना सीरियस है अपने एग्जाम के लिए। बहुत जरूरी है। जो मनी वाला पैसेज था, ब्लैक मनी वाला, उसमें लिखा था आर्ग्यू फॉर और अगेंस्ट, किसी ने और नहीं देखा। फॉर में भी लिख डाला, अगेंस्ट में भी लिख डाला, किसी ने देखा होगा शायद, मगर ज्यादातर ने नहीं देखा। फॉर और अगेंस्ट दोनों में लिख दिया। इतने हड़बड़ी में मत रहो कि क्वेश्चन ही नहीं पढ़ो ढंग से, इंस्ट्रक्शन ही नहीं पढ़ो। मगर ठीक है, इंग्लिश कंपल्सरी में यूपीएससी ऐसे ट्रिक्स प्ले करता है, फाइन। सीएपीएफ में इतना फ्रिक्वेंटली ट्रिक्स नहीं प्ले करता है, ठीक है। अभी तक फिलहाल तीन बार जितना मुझे याद आ रहा है, आप लोग खुद एक बार पढ़ना, क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, तो एक बार आप लोग पढ़ना किस तरह से इंस्ट्रक्शंस चेंज हो रहे हैं ईयर बाय ईयर, ठीक है। बहुत कम हो रहे हैं मगर हो रहे हैं। कभी कभी प्रेसी शीट में लिखी रहती है, सॉरी इंस्ट्रक्शन में, राइट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स एट द एंड ऑफ द प्रेसी, लिखा रहता है, कभी नहीं लिखा रहता है। मगर मैंने ना मतलब हैबिट स्टूडेंट्स की बना दी है कि लिख दिया करो, ठीक है। अब मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम जरूरी है लिखना, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था, ठीक है, मुझे स्टूडेंट ने बोला था कि मैम जरूरी है लिखना, क्योंकि ना 10, 20, 30, 40, 50 सारा लिखा रहता है, तो जितने बॉक्सेस में लिखा है तो एग्जामिनर को तो पता चल ही जाता है हमने कितना नंबर ऑफ बॉक्सेस यूज किया है, पता चल जाता है, ठीक है। मगर कभी कभी स्टूडेंट्स उसमें पैराग्राफ भी चेंज कर देते हैं, तो एक पूरा का पूरा लाइन को मिस करते हैं पैराग्राफ चेंज करेंगे तो ठीक है। तो इसीलिए मैंने वैसे हैबिट बना दी स्टूडेंट्स की कि ना लिख दिया करो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। अब जब मैंने बोला कि स्टूडेंट्स को कि सुनो लिखा करो टोटल नंबर ऑफ वर्ड, अब लिखने का तरीका देखिए। सपोज ये पूरा बॉक्स खत्म हो गया, राइट, अब लिखेंगे कैसे? मतलब स्टाइल पता नहीं कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। या तो फिर एक ऐसे अपने से एक बॉक्स तैयार कर देंगे उसमें 300 टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। जब मैं बोल रही टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लिख रहे हैं तो अच्छे से लिख दो ना, क्या जाएगा आपका, मिलेगा ही मिलेगा, कुछ जाने का तो है नहीं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, डैश दो और 300 बस। मतलब ऐसा लिखते जैसे अपना सिग्नेचर कर रहे हो, इतनी सिंपल सी चीज बताइए, वो भी उसमें भी आप लोग डिजाइन डिजाइन स्टाइल स्टाइल डाल रहे हो। एनीवेज देखने दीजिए और क्या है। टाइम मैनेजमेंट, प्रेसी इज कंसिडर्ड टू बी द लीस्ट स्कोरिंग एंड द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, बट इट डजंट मीन दैट यू स्किप इट। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द लास्ट आफ्टर आंसरिंग ऑल अदर क्वेश्चंस। 30 मिनट्स इज सफिशिएंट फॉर कंप्लीटिंग द प्रेसी। अब देखिए मैंने 30 मिनट्स लिखा है, तो जैसे जब मैं प्रेसी पढ़ती हूँ तो मुझे 20 और 30 मिनट्स के बीच में लगता है जब मुझे प्रेसी लिखनी होती है, ठीक है। ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर का प्रेसी मैं ही लिखती हूँ, जो भी सॉरी जो करंट एग्जाम होता है फिर उसका मुझे सॉल्व करना होता है प्रेसी, तो मैं खुद ही करती हूँ सारे क्वेश्चन, मैं खुद ही सॉल्व करती हूँ। ऐसे रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट को छोड़ दो, वो कंटेंट टीम करती है। तो मुझे 20 से 30 मिनट्स के बीच में लगता है, मैं इजीली लिख लेती हूँ। क्यों लिख पाती हूँ? क्योंकि मैं इतने सालों से लिखती आ रही हूँ, ठीक है। इसीलिए जब मैंने, अब तो मुझे याद नहीं है कि जब मैंने शुरुआत की तो मैं कितना टाइम लगाती थी, मुझे अपने कॉलेज डेज का भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। मगर आप लोग, जब मैंने यहाँ पर लिखा कि 30 मिनट्स इज सफिशिएंट फॉर कंप्लीटिंग द प्रेसी, आप लोग प्लीज मत डिसअपॉइंट होना अगर आप लोगों को एक घंटा लग रहा है, आप लोगों को डेढ़ घंटा लग रहा है। शुरुआत में टाइम लगेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और प्रेसी बहुत कुछ डिमांड करता है, मतलब बहुत ज्यादा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उतना डिमांडिंग नहीं है जितना प्रेसी डिमांडिंग है, ठीक है। ऐसे से ज्यादा डिमांडिंग तो प्रेसी है, ठीक है। 15 मार्क्स की औकात है इसकी और डिमांड बहुत ज्यादा करता है, ठीक है। एनीवेज मगर आप लोग है ना, इसमें ना डिसअपॉइंट मत होना कि ये ना मुझे एक घंटा लग रहा है मैम, डेढ़ घंटा लग रहा है, ठीक है। अभी आप इनिशियल फेज है, सीख रहे हो तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। और जब सीख भी जाओगे तो ऐसा नहीं है कि ना उस पर टाइम थोड़ा सा तो रिड्यूस होगा, मगर है ना
ऐसा नहीं है कि आपको ना आप बहुत अच्छा मतलब जैसे टाइम होता क्या है स्टूडेंट, देखिए आप लोग बहुत मेहनत करके प्रेस ही लिखे, स्टूडेंट्स का रिएक्शन बता रही हूँ, बहुत मेहनत करके प्रेस ही लिखे और मैंने फीडबैक एकदम खत्म खत्म फीडबैक दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, कोई कोई स्टूडेंट्स हैं जो बहुत मतलब शाई नहीं होते हैं, मुझसे बात कर लेते हैं, तो कोई कोई कॉल करके बोलते हैं मैम आपको पता है मैंने कितना टाइम दिया था प्रेसी को और आपने तो सीधे ही उसको एकदम आउटकास्ट कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कभी भी ऐसा मत सोचना कि आप लोगों ने टाइम दिया है तो गिविंग मोर टाइम इज प्रोपोर्शनेट टू गेटिंग पॉजिटिव फीडबैक, है ना। ये प्रोपोर्शनेट नहीं है कि आपने टाइम अच्छा दिया है तो फिर आपको फीडबैक भी अच्छा मिलेगा, ऐसा मत सोचना, ठीक है। आप ये सोचो कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, अब इस बेस्ट में भी मैम अगर नेगेटिव फीडबैक दे रही हैं तो उस नेगेटिव फीडबैक को आप स्पोर्टिंगली लो और देखो कि आपने गलती कहाँ की है और फिर उसके बाद यू ट्राई टू यू नो मिनिमाइज दोज मिस्टेक बाय राइटिंग द नेक्स्ट प्रेसी, ठीक है। दूसरी चीज है कोशिश करो कि मैं ये सब फीडबैक नहीं दूं, देखिए आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, देखिए आपका पंचुएशन मिस्टेक हो रहा है, ठीक है आपने फुल स्टॉप पुट नहीं किया, देखिए आपका कैपिटल लेटर, कोशिश करो कि मैं ये सब फीडबैक नहीं दूं, मैं ये फीडबैक दूं कि आपने कोर एसेंस को नहीं पकड़ा, मैं ये फीडबैक दूं कि आपका स्कैटर्ड लुक आ रहा है, तो ये ना हाई लेवल का फीडबैक है, ठीक है, प्रेसेस से रिलेटेड फीडबैक है। कैपिटल लेटर की मिस्टेक तो फिर मुझे ऐसे में भी देना होगा, रिपोर्ट में भी, आर्गुमेंट में भी, राइट, फुल स्टॉप नहीं पुट कर रहे हो, लंबे लंबे सेंटेंस, ये तो ग्रामेटिकल टाइप ऑफ फीडबैक है ना। अगर आप चाहते हो कि आपके कंटेंट उस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड फीडबैक दो तो फिर ये सब मिस्टेक आप नहीं करना, ओके। मैं बोल रही हूँ मगर कर रहे हो तो आई एम देयर टू करेक्ट इट, ओके। कोशिश यही करो कि नहीं करो, ठीक है। अब ये वाला जो है ना स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर राइटिंग प्रेसी, अभी तक हमने प्रेसी लिखना नहीं सीखा है, फिर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ऑफ राइटिंग प्रेस इन द प्रेसी शीट, फिर ये वाला हम करेंगे, इट विल टेक अनदर वन क्लास और हो सकता है एक और क्लास ले लें, सो नॉट टू वरी, हम लोग मंडे को मिलेंगे। और अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर मैं क्लास एंड करूंगी। किसी को कोई क्वेरी? मैम अरे जयंत आपका वॉइस मैसेज आया था, मैं भूल ही गई। हाँ मैम बोलो। मैम एक्टिव और पेसिव में पढ़ने के बाद भी बहुत टाइम प्रॉब्लम होता है लिखने में, मींस सही है गलत है। तो मैम पेसिव में तो मींस पेसिव में शायद लिखना होता है, तो मैम तो किसने बोला? इसके लिए कुछ एक सेकंड जयंत, एक सेकंड थम जाओ, किसने बोला कि पैसिव में लिखना होता है? कहीं पे मैम पढ़े मैंने हो? YouTube YouTube पे बहुत पहले देखा था शायद, तो गलत है, इसलिए गलत हाँ है, बिल्कुल गलत है। यानी इसका मतलब तो ये है, अगर पैसिव में लिखना होगा तो यानी सबसे पहले एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे और उसके बाद प्रेस से लिखेंगे, हाईली इरेशनल थिंग। ओके जबकि मैम वन मोर अच्छा थिंग, वन मोर थिंग, ऑन वन मोर ग्राउंड दिस इज रॉन्ग। पैसिव वॉइस इज कंसिडर्ड टू बी द मोर कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस देन एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस होता है और इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि डू नॉट ट्राई टू स्ट्रक्चर योर सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, ऐसे कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है ये पैसिव वॉइस है, यू नो दिस, ऐसे कहा जाता है। ओके ओके तो ओके मैम ऐसा ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें पैसिव वॉइस में लिखना है, ठीक है। हाँ ठीक है मैम अगर कोई भी इस तरह का ना आप लोग ने कहीं टॉपर से सुना है या किसी यूट्यूब से सुना तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए ना, आई विल क्लैरिफाई। पहले मैम मैं एक्टिव से लिखता था। बेसिकली मैंने मेरा सीएपीएफ का जब मेंस लिखा था मैंने एक्टिव ही लिखा था, पर मैंने मैंने जब स्टेट का मेंस लिखा था मैंने पेसिव से लिखा था, तो इसलिए इसके बाद से मैंने पेसिव जितने भी टाइम भी मेंस अटेम्प्ट किया है मैंने पेसिव ही लिखता हूँ मैम देखो अगर देखो मेंस। एक तो पहली चीज है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पर आप ये मैंने केवल देखा है जो लिखने के बाद है ना मैंने सही नहीं लगता, पर वो रूल एक दिमाग में बैठ गया था तो इसलिए थोड़ा कॉन्फ्यूजन था, अभी ये हट गया है। ओके एनीथिंग एल्स, कोई और क्वेरी है तो पूछ लीजिए। मैम
मैम आपने ऐसे बोला कि पैराग्राफ पढ़ने के बाद कोई लोग बच्चे लाइन छोड़ते हैं, तो मैम वो लाइन छोड़ते हैं तो वो बॉक्स में तो काउंट होते हैं ना शायद से वर्ड्स। ना ना, गुड क्वेश्चन, वो हम आगे हम डील करेंगे इस चीज को. देखिए यूपीएससी के इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा होता है कि इफ यू वांट यू कैन चेंज द पैरा. ठीक है, साफ अक्षरों में लिखा होता है. पैरा चेंज करने के लिए यू हैव टू लीव वन हॉरिजॉन्टल बॉक्स, वन रो पूरा का पूरा कंप्लीटली. और बॉक्स वो ही काउंट होते हैं जिसमें वर्ड्स हैं. ठीक है, वो बॉक्स काउंट नहीं होते जिसमें वर्ड्स नहीं है. ओके. ओके मैम, एक और चीज मैम, ये जैसे आप नेट क्लास लेंगी तो उसमें आगे मैम क्या बताएंगी पैसे के बारे में? बुक में जो है मैं देख लेती हूँ बुक में क्या है. लेट मी चेक. स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर प्रेसी राइटिंग. मैम वो तो ठीक है मैम, मैं ये बोल रहा था कि कोई एक कोई भी एक पैराग्राफ आप लेके आप हम लोगों को भेज देते तो हम लोग उसे एक बार रीड कर लेते, फिर आप उसको लाइव क्लास में एक सॉल्व करके बता देते तो हमें ज्यादा अच्छे समझ में आता ओ, कि दैट्स वेरी गुड सजेशन, वेरी गुड सजेशन. ये जो 2017 का प्रेसी है ना, फूल्स का, सब कोई पढ़ेंगे. ये बहुत अच्छा सजेशन दिया है. आई नेवर थॉट अबाउट इट. ठीक है, ये 2000 फूल्स वाला प्रेसी है ना, जो आज मैंने आप लोगों से बात की है, तो ये 2016 का प्रेसी है. ठीक है, इसको आप लोग है ना सब कोई पढ़ के आएंगे अच्छे से. मैंने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है, आप लोग उसको पढ़ के आएंगे तो अच्छा रहेगा, है ना. मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. हालांकि मगर जब मैं पढ़ाती हूँ ना, तो मैं और भी ईयर के प्रेसी ले लूंगी, मगर फिलहाल 2016 वाला आप लोग कर लेना, फूल्स वाला. ठीक है, ठीक है. इसके अलावा हेलो मैम, हम्म, मैम प्रेसी का जिस्ट सबसे पहले लिखेंगे या लास्ट में? हाँ ये हम है ना कल कल नहीं परसों बात करेंगे, मगर है ना अभी आपने पूछ लिया है तो प्रेसी का कोर एसेंस से ही शुरुआत करनी चाहिए. मतलब है ना हमारी ना पूरी कोशिश होनी चाहिए क्या एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए, एग्जामिनर को हम खुश कर दे. तो अगर एग्जामिनर देखेगा यार इसने तो फर्स्ट लाइन में ही पूरा पैसेज का क्रक्स लिख डाला, यार इसको तो समझ में ही आ गया, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा देखेगा, मार्क्स दे देगा. गॉट इट. तो कोर एसेंस शुड बी द स्टार्टिंग लाइन ऑफ योर प्रेसी, स्टार्टिंग लाइन. और अब मैम ऐसे लिखेंगे इससे जैसे कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऐसे करके कुछ? नहीं नहीं एकदम ऐसे मत लिखना. ठीक है, मगर कहाँ लिखना होगा वो मैं बता दूंगी, मगर यूजुअली ऐसा नहीं लिखा जाता है. ठीक है, अभी मैं बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, मगर आप लोग ऐसे बिल्कुल नहीं लिखोगे अकॉर्डिंग टू द राइटर, यू विल वेस्ट योर वर्ड्स ना. आप लोगों को कोशिश करनी कि वर्ड्स आप वेस्ट ना करो, है ना. ओके मैम, एनीथिंग एल्स? अगर मुझे लगेगा ना तो मैं कुछ आप लोगों को और पैसेजेस बोल दूंगी पढ़ने के लिए. एक तो 2016 का तो पढ़ ही लेना, मगर अगर मुझे लगेगा तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी कि आप कोई एक और पैसेज भी पढ़ सकते हो. ठीक है, ये जस्ट यू हैव टू मैम रीड आउट एंड यू हैव टू, यस वन मोर थिंग, व्हाट वी विल डू इज दैट आई विल गिव यू वन एक्सरसाइज, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, है ना. आई विल मेक यू रीड वन मोर पैसेज अपार्ट फ्रॉम फूल्स. उसका मैंने आपको कोर एसेंस, देखो एक सेकेंड, 2016 का आप लोग पैसेज पढ़ोगे, आई विल राइट ऑन द, आई विल टाइप ऑन द ग्रुप एंड आई विल पोस्ट इट. 2016 का आप लोग पढ़ोगे और कोर एसेंस निकालोगे. कोर एसेंस तो मैंने बता दिया, आप लोगों को निकालने की जरूरत नहीं है. फिर एक और पैसेज दूंगी मैं आप लोगों को, उसका भी आप लोग कोर एसेंस निकालोगे पैसेज का. ठीक है, एक और पैसेज दूंगी, आई विल फाइंड आउट कौन सा देना है. हाँ एनीथिंग एल्स? मुझे किसी ने, एक मिनट, अभिषेक ने कुछ लिखा है, लेट मी चेक. हाँ अभिषेक, ये जो आप बात बोल रहे हो ना कि कॉमा फुल स्टॉप का, इस पे हम ना मंडे को बात करेंगे, अभी मैं प्रेसी शीट पे आई नहीं हूँ, मंडे को बात करेंगे. मैम, इट विल बी बेटर इफ यू सेंड अस द पीडीएफ ऑफ दिस बुक रिगार्डिंग द रूल्स। खरीदेगा मैम जस्ट प्रेसी का, मैम ये और कुछ नहीं है मैम, जस्ट प्रेसी वाला 2-3 पेज। ओके आई विल. मैम हाँ आपकी, आपने जो जब ग्रामर क्लास ली थी हमारी, तो एक पीडीएफ भेजा था, तो उसमें हाँ प्रेसी वाला है, उसमें
उसमें प्रेसी और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले, अरे हाँ, राइट राइट, आई फॉरगॉट दैट, है ना, वो वो मेरी मेरे फर्स्ट पास एडिशन है. है। बट दिस थर्ड एडिशन इज बेटर इन टर्म्स ऑफ, वैसे तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैसेजेस ज्यादा है, नंबर ऑफ पैसेजेस. अंकिता, आप ना स्क्रीनशॉट भेज देंगे, मैम मैं वो पूरी आपको भेज दूंगी, मतलब एक काम शुरुआत करो में ना, ही। सुनो सुनो, एक काम करो, एक काम करो. सी, आई टेल यू सून, आई कांट यू नो गिव द पीडीएफ ऑफ माई थर्ड एडिशन, बट यस, फर्स्ट एडिशन इज देयर विद अंकिता. अब मेरे पास फर्स्ट एडिशन भी नहीं है, वो भी क्रैश, वो भी गई. तो अंकिता है ना, फर्स्ट एडिशन कैन शी कैन शेयर, ठीक है, फीडबैक ग्रुप है ना डिस्कशन वाला. तो अंकिता, यू शेयर दैट फर्स्ट एडिशन वाला बुक, तो ना उससे क्या होगा, जैसे ग्रामर की अगर प्रैक्टिस करनी है किसी को, तो दे कैन प्रैक्टिस. और पूरी की पूरी बुक है, इफ यू वांट ना अंकिता, शेयर कर लेना वो वाली बुक. ओके मैम, बट इट इज नॉट दैट गुड, आई मीन आप सोचो थर्ड एडिशन आ गए, तो थर्ड एडिशन इज मच मच बेटर, तो आप शेयर पर कर. मैम कुछ ना होने से तो ठीक ही है, क्योंकि हाँ मैंने तो हाँ खरीद रखी है आपकी बुक। हाँ 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 ठीक है, ओके. तो मैम, आपकी जो मैं फर्स्ट एडिशन की जो बुक है, इसमें इसमें स्मॉल स्मॉल पैसेज तो होंगे ना, तो उसमें से आप दे दीजिए हम लोगों को, तो कम से कम एक नहीं स्टार्टर है कुछ. मैम धीरज, नहीं है ना, तो प्रॉब्लम ये डायरेक्ट है. पीवाई क्यों ही है क्या उसमें? हाँ बिल्कुल, स्मॉल, इनफैक्ट थर्ड एडिशन में भी आई डू नॉट हैव स्मॉल पैसेजेस. ओके 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 एक्चुअली स्मॉल पैसेजेस इज फॉर यू नो लेटिंग द स्टूडेंट्स लर्न, ठीक है. क्लासेस इंटरैक्टिव होती है ना, बुक इंटरैक्टिव नहीं होता है ना, तो आई डिडंट ओके ओके मैम, आई थॉट कि उसमें होंगे, तो इसलिए मैंने ना ना आपसे. ना मैम, मैं ये बोल रही थी कि मतलब एटलीस्ट एक भी कोई शॉर्ट पैराग्राफ से हम लोग शुरू करते हैं तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाता, एटलीस्ट एक. पता अभी है मतलब यार, मैं ना कि डायरेक्टली PYQ पे जंप करना थोड़ा सा हेसिटेशन है इसको लेकर, बस आई एक डू भी. हम अभी तो हमको रफ ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं वो भी नहीं आता हमको बनाना. हम डायरेक्ट PYQ पे जाएंगे, तो रफ ड्राफ्ट तो हम गया मैम, पता नहीं क्या होगा. ओ बस गॉड, एटलीस्ट एक या दो आप करवा दो, उतना भी काफी होगा हम लोगों के लिए. पता है इसके लिए क्या करना होगा मुझे? ओके फाइन, मुझे ना इसके लिए ना गूगल सर्च करना होगा, ठीक है. आई हैव टू यू नो सम काइंड ऑफ बेबी टाइप ऑफ पैसेजेस आई हैव टू फाइंड आउट पहले, तो देन आई हैव टू मेक प्रेसी ऑन माय ओन, ठीक है. और मैं टाइप अप नहीं कर सकती हूँ, आई विल राइट इन माय ओन राइटिंग, और जो बहुत बुरी है उसका फोटो, क्योंकि मैं इससे टाइप नहीं कर सकती हूँ. मेरे पास अभी फिलहाल जो एक तरीके का जो लैपटॉप है ना, इट इज जस्ट फॉर टेम्पररी पर्पज, सो इसका SW इज नॉट वर्किंग, दीज टू कीज, ठीक है. राइटिंग चलेगा, कोई इशू नहीं है. तो ठीक है, ओके आई विल डू दिस, है ना. मगर याद रखना मैं ये सब कर रही हूँ, मैं ना आई मीन यू नो ये सब क्रैश नहीं होता ना, तो इट वुड हैव बीन वेरी, आई मीन दिस क्लास वुड हैव बीन वेरी गॉन वेरी स्मूथली. अब क्या कर सकते हैं, एनीवेज आई विल ट्राई, ओके आई विल ट्राई मैं पैसेजेस लेकर. एंड इट इज इजी फॉर मी इन द सेंस, राइटिंग प्रेस इज नॉट डिफिकल्ट, बट फाइंडिंग आउट द पैसेज फ्रॉम द गूगल ना बहुत डिफिकल्ट है. मतलब आप समझ रहे हो, जैसे जो मेरे पास पैसेजेस है, यू वोंट बिलीव, वो पैसेजेस है ना इजी से डिफिकल्ट लेवल की तरफ जा रहे थे. जैसे फर्स्ट पैसेज है, इट वॉज वेरी इजी. सेकेंड पैसेज थोड़ा डिफिकल्ट, नॉट दैट इजी. थर्ड पैसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट, इस तरह से हो रहा था. तो स्टूडेंट्स वर एबल टू कनेक्ट देमसेल्फ विद प्रेसी, राइट. और अब ना वो जो इजी टू डिफिकल्ट लेवल है ना, एक दो दिन में पॉसिबल नहीं, बट आई विल ट्राई, एटलीस्ट आई विल ट्राई टू गेट एटलीस्ट 3 पैसेजेस, है ना. वैसे भी थ्री पैसेजेस का ही है. मैम, आप जैसे बोल रही हैं कि आप सर्च करके आएंगी, तो आप हम चाहे तो आप हमें भेज दीजिए, तो हम लोग उसे रीड करके आएंगे, तो आप लाइव क्लास में उसे सॉल्व करेंगी, तो हमें समझ में आएगा कि इसका जिस्ट ऐसा बनता हाँ, है, मगर आई हैव टू ये पॉइंट्स ऐसे निकलते हैं, ऐसा. धीरज, आई हैव टू सर्च फॉर दैट एप्ट ओके ओके पैसेज, मैम, है यस ना. मैम, देन डन. आई हैव टू राइट द प्रेसी ऑन माय ओन, पहले मुझे प्रेसी लिखनी होगी ना, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू गाइड यू. प्रेसी मुझे भी लिखनी होगी, तो इट विल, आई विल डू दैट, ओके. इट विल ओके टेक मैम, टाइम, बट आई थैंक विल यू डू दैट, ओके. मैम. मेरे मेरे स्टेट सर्विस का क्वेश्चन भेजू कि आपको, उसमें मैम पैसेज है अगर चैन है आप. ना सच में आपका, मतलब अब मैं यहाँ पे बेबी पैसेजेस की बात कर रहे हैं, आप मॉन्स्टर पैसेजेस की बात कर रहे हो. ये मॉन्स्टर ना पैसेजेस वो से तो बच, भी ना बेबी पैसेज है मैम. अच्छा आपके सेट पीसेस में बेबी पैसेजेस आते हैं. हाँ जैन,
नहीं ठीक ठाक है मैम, अब नो भेजू मैम, नो आई टेल यू, मैं जो पैसेजेस ले रही थी ना, अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का देखा, शुरुआत वाला मिल्क वाला था है ना, फिर कॉबलर का था जो लेदर शू बना था, समझो वैसा टाइप का पैसेजेस आई नीड, तो वैसा तो नहीं होगा ना, वैसा वाला बेबी है ना. I'll find on Google. I'll get. पहले भी गूगल से ही फाइंड आउट किया था, नहीं पहले तो मेरे नीस और नेफ्यू के जो बुक्स थे ना उसी से मैंने निकाला था. एनीवेज सीडीएस का कॉम्प्रिहेंशन यूज नहीं कर सकते अभिषेक, स्टफ देखने से लगता है स्टफ, मतलब मुझे ऐसे पैसेजेस चाहिए जिसमें पीसेस ऑफ कंटेंट कम हो, अननेसेसरी डिटेल्स भी हो, रेपिटेशन भी हो, तो ना आप लोग डिमार्केट कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो ना फ्रॉम अननेसेसरी डिटेल्स टू अननेसेसरी डिटेल्स, मतलब ऐसा पैसेजेस ढूंढने पड़ेंगे एंड इट इज डिफिकल्ट, मैंने बहुत मुश्किल से वो पैसेजेस ढूंढे थे. एनीवेज आई विल डू. मैम छोटी क्लासेस की टेक्स्ट बुक में मिल सकते हैं? वहीं से तो मैंने लिया था पहले, वहीं से लिया था और अभी भी लूंगी, क्योंकि कुछ जैसे ना क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड 6 से कॉम्प्रेंशन शुरू हो जाते हैं बच्चों के सीबीएसई में, या स्टैंडर्ड 5 से शुरू होते हैं, मुझे ध्यान नहीं है, तो जो कॉम्प्रेंशन होते हैं ना वो मैं लेती हूँ. और जो आईएस कौन सा बोर्ड है सीबीएसई के अलावा, कौन सा बोर्ड है, आईएससी आईसीएससी आईसीएससी बोर्ड, उसमें ना हाँ नहीं आईसीएससी बोर्ड है जो, उनके प्रेस ही शुरू हो जाते हैं 5th 6th स्टैंडर्ड से, तो I'll search that, I'll find out. वैसे बात तो सही है भाई, सीधे PYQ दे दो. Anyways, I'll do that. Okay, I'll try my best. और कुछ इसके अलावा, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई, imagine.